नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर में देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में या आर्टिकल। निर्भया के बाद भी बदलाव का इंतजार। इसके संपादक है विक्रम सिंह, जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के प्रमुख रह चुके हैं। याद रखिए, ये सभी शब्द इन्हीं के हैं, विचार जो इन्होंने लिखे हुए। हैदराबाद में विभत्स सामूहिक दुष्कर्म कांड के चारों आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए जाने की घटना से संसद से लेकर सड़क तक बहस तेज कर दी है। पूरा देश इसी घटना पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। पुलिस अधिकारियों की माने पुलिस अधिकारियों की माने तो इन चारों आरोपियों को रिमांड पर लेने के बाद विवेचना के क्रम में उन्हें उसी घटना स्थल पर ले गई थी पुलिस, जहां उन्होंने एक कांड किया था। इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस पर आक्रमण कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई और अंततोगत्वा चारों पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। इस मुठभेड़ की खबर सामने आते ही लोग पक्ष और विपक्ष में खड़े हो गए। एक समूह का कह रहा है कि यही होना चाहिए था। उसने पुलिस को बधाई भी दी। हैदराबाद में तो जश्न जैसा मनाया गया। दूसरा समूह यह कह रहा है कि यह औचित्यपूर्ण नहीं है, पुलिस को और सावधानी बरतनी चाहिए थी। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में प्रातःकाल आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाया गया? क्या वांछित पुलिस बल नहीं था? ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी और चारों आरोपियों को निष्क्रिय करना पड़ा? संदेह भरे सवाल उठना स्वाभाविक है, परंतु जो कानूनी स्थिति है उसे भी समझ लेना चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा या किसी अन्य की सुरक्षा अथवा जीवन को खतरे के आधार पर वांछित बल का प्रयोग किया जा सकता है। यह अधिकार भारतीय दंड संहिता ने प्रदान किया है, लेकिन बल प्रयोग का यह अधिकार मनमाना नहीं है। यदि आनुपातिक बल का प्रयोग नहीं किया गया तो यह अधिकार समाप्त हो जाता है। क्या हैदराबाद पुलिस ने जो बल प्रयोग किया वह वांछित था, उसी अनुपात में इस्तेमाल किया गया जो आवश्यक था या उससे अधिक? आपराधिक दंड संहिता के अंतर्गत हैदराबाद मुठभेड़ की मजिस्ट्रेटी जांच होगी। यह मजिस्ट्रेटी जांच खुली होती है, क्योंकि पुलिस मुठभेड़ के मामले में उच्चतम न्यायालय और मानवाधिकार आयोग की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों का पालन आवश्यक होता है। इसलिए इस मुठभेड़ के मामले में भी एक अपराध पंजीकृत किया जाएगा और उस अपराध की विवेचना क्राइम ब्रांच CBID करेगी, ना कि स्थानीय पुलिस। ऐसी सावधानियां यही सुनिश्चित करने के लिए बरती जाती है कि यदि पुलिस ने स्वार्थवश या जनभावनाओं के दबाव में आ कोई मनमाना व्यवहार किया हो तो उसे सामने लाया जा सके। पुलिस की जिम्मेदारी जन भावनाओं के अनुरूप या अपनी इच्छा के अनुरूप काम करने की नहीं होती है, उसे संविधान और कानून के तहत मिले अधिकारों के तहत ही काम करना होता है। अच्छा होगा कि हैदराबाद मुठभेड़ की मजिस्ट्रेटी जांच जल्दी हो, ताकि सच्चाई सामने आ सके। यदि हैदराबाद पुलिस की कोई गलती सामने आती है तो हत्या का मुकदमा कायम होने के साथ मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मी निलंबित भी होंगे और जेल भी जाएंगे। लेकिन यदि इस मुठभेड़ को सही माना जाता है तो पुलिसकर्मी पुरस्कृत भी हो सकते हैं। एक बड़े समूह की ओर से हैदराबाद मुठभेड़ को सही बताने का जो काम हो रहा है उसे भी समझने की जरूरत है। देश इससे स्तब्ध है कि निर्भया के गुनहगारों को 7 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी
फांसी की सजा नहीं हो पाई। एन कैन पिकार्ड सजा विलंबित ही होती गई। इस विलंब के कारण समझ से परे हैं। यह देखना दयनीय है कि कानून में संशोधन के उपरांत भी हमारी बच्चियों और महिलाओं को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली। दुष्कर्म के मामले की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में दुष्कर्म के आरोपी दोष मुक्त हो रहे हैं। निर्भया फंड का भी सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण वांछित स्तर का नहीं हो पा रहा है। फास्ट ट्रैक अदालत तुरंत गति से मामलों का निस्तारण नहीं कर पा रही है। ऐसे में जन आक्रोश स्वाभाविक है। पुलिस के ऊपर यह दबाव भी रहता है कि वह कोई ऐसी कार्यवाही करे जिससे जनता में एक भरोसा पैदा हो, लेकिन उसकी कार्यवाही विधि सम्मत और कानून की परिधि के अंदर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दबाव में आकर वह ऐसे कार्य करने लगे जो गैरकानूनी हो, उसके द्वारा की जाने वाली मुठभेड़ फर्जी भी हो सकती है। कहीं भी फर्जी मुठभेड़ पुलिस अप संस्कृति का भाग नहीं बन सकती, उसे बनने भी नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ आवश्यकता इसकी भी है कि आतताइयों के मन में पुलिस और कानून का भय दिखना चाहिए। यह आज दिखाई नहीं देता। दिखाई यह दे रहा है कि पुलिस कहीं अपराधियों के प्रति ढिलाई बरतती है तो कहीं चार्जशीट लगाने में देरी करती है। साक्ष्य संकलन में भी लापरवाही दिखती है। इसके सब के चलते आरोपी दोष मुक्त हो जाते हैं और फिर उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती है। उन्नाव के ताजा मामले में ऐसा ही हुआ। जिस आरोपी ने दुष्कर्म पीड़ित महिला को जलाया, उन्हें आखिरी जमानत कैसे मिल गई? आखिर इस जमानत का विरोध क्यों नहीं हुआ? सवाल यह भी है कि जमानत मिलने पर उन निगरानी क्यों नहीं रखा गया उन पर? 13वें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के पारित होने के बाद आईपीसी में धारा 166 ए उपधारा ई सम्मिलित की गई थी, ताकि यदि कोई पुलिसकर्मी कर्तव्य के प्रति उदासीन हो तो उसे के खिलाफ भी अपराध पंजीकृत हो सके। इससे 2 साल तक की सजा का भी प्रावधान है इसमें। ऐसे दृष्टांत कम दिखाई देते हैं कि किसी गैर जिम्मेदार पुलिसकर्मी को धारा 166 ए के अंतर्गत जेल भेजा गया हो। यह अक्षम्य है कि कर्तव्य के प्रति उदासीन पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रति ढिलाई बरती जाए। पुलिस नेतृत्व से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपराधियों के साथ साथ अपराधी की जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी प्रभावी कार्रवाई करें। पुलिस प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने के साथ ही महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती में भी प्राथमिकता बरतनी जानी चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है कि पुलिस के रिक्त पद खाली ही पड़े रहे। अगर बेटी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो यह सब प्राथमिकता के आधार पर करना ही होगा। दुष्कर्म के मामले में न्याय होने में विलंब के कारण देश की जनता के मन में यह सवाल घर कर रहा है कि निर्भया जैसा खौफनाक मामला सामने आने के बाद आखिर सरकार ने क्या किया? यह अनिवार्य है कि फास्ट ट्रैक अदालतों को न केवल सक्रिय किया जाए बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि वे एक तय अवधि में मामलों का निस्तारण करें। दुष्कर्म के मामलों में विवेचना 90 दिन के बजाय 45 दिन में की जानी चाहिए। विशेष परिस्थिति में यह अवधि न्यायपालिका की अनुमति से ही 45 और दिन बढ़ाई जानी चाहिए। बेहतर होगा कि इसके लिए कानून में संशोधन किया जाए। इससे भी आवश्यक है कि पुलिस की विवेचना समाप्त होने के बाद समस्त न्याय प्रक्रिया का निस्तारण 180 दिन के अंदर संपन्न करना सुनिश्चित किया जाए। ऐसा करके ही पुलिस और कानून के प्रति लोगों के भरोसे को बल दिया जा सकता है। चलिए, तो ये था आर्टिकल हमारा पुलिस व्यवस्था से संबंधित। याद रखिए, ये सभी विचार उत्तर प्रदेश
पुलिस के प्रमुख रहे, उन्हीं के हैं।